दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुकेश कुमार स्वागत करते हैं आपको डोंट वरी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों 5 बिलियन सेल्स में सभी लोग का आईडी धीरे धीरे ओपन हो रहा है, तो आपका खुला क्या प्लीज बताइएगा, जरूर कमेंट में जरूर लिखेगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का केवाईसी हो गया है 5 बिलियन सेल्स में, उन लोगों का धीरे धीरे स्लोली स्लोली आईडी खुलना स्टार्ट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, वो स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जिन लोगों का यहाँ पे आईडी ओपन हो रहा है, उन्होंने मुझे भेजा है। और दोस्त यहाँ पे जैसे ही आईडी ओपन हो रहा है, सेल योर डाटा उनका पेंडिंग बता रहा है, ठीक है ना, पेंडिंग बता रहा है। तो सेल योर डाटा दोस्तों, उसको शुरू करने के लिए आपको यहाँ पे एक प्रोसेस करना होता है, समझ रहे हैं? तो वो प्रोसेस मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा दोस्तों स्क्रीनशॉट के माध्यम से कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो प्लीज मेरे भाई, आप लोग जल्दी से जल्दी जो है, जिनका केवाईसी आ गया है, थर्ड स्टेप आ गया है, और जल्दी जल्दी केवाईसी कर लें, देरी नहीं करें। क्योंकि आप केवाईसी कर लेंगे दोस्तों, तो हो सकता है 10 से 15 दिन में आपका आईडी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और ये जो मैं प्रोसेस अभी बता रहा हूँ, ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपको सेल योर डाटा स्टार्ट हो जाएगा। और जो लोग फंसे हुए हैं, जैसा कि स्टेप 1 में फंसे हुए हैं, स्टेप 2 में फंसे हुए हैं, तो वो लोग भी जल्दी से जल्दी अपना कर लें। और जाहिर सी बात है, जिन लोगों का सीक्रेट कोड नहीं याद है, वो अभी रुके रहे, क्योंकि कंपनी सीक्रेट कोड चेंज करने का यहाँ पे आपको देगी, है ना, एक्शन देगी दोस्तों। तो चिंता नहीं कीजिए, यहाँ पे आएगा सीक्रेट कोड चेंज करने के लिए, आपको रिसेट देगा, रिसेट सीक्रेट कोड का ऑप्शन, तो अभी वेट कर लीजिए, ठीक है। और जिन लोगों का फर्स्ट स्टेप नहीं हुआ है भैया, जल्द से जल्द आप लोग प्रयास कीजिए करने का अपना फर्स्ट स्टेप। और आपके डाउनलाइन में जो लोग भी हैं उनको ही बोलिए, ताकि जाहिर सी बात है दोस्त, आपका आईडी तो खुलेगा ही खुलेगा, साथ ही साथ आपके डाउनलाइन का भी आईडी खुलेगा, तभी तो आपको ज्यादा इनकम होगा। क्योंकि आपका जो डाउनलाइन बन चुका है, जो आपको वहां से लेवल इनकम मिलता है दोस्तों, उनका आईडी खुलेगा तभी तो आपको मिलेगा, समझ गए? तो दोस्तों अपने साथ साथ जो आपके साथी हैं, जो आपके डाउनलाइन है, जो आपके नेटवर्क है, जो आपके दोस्तों पार्टनर्स हैं, उनको भी आप जल्द से जल्द आईडी ओपन करने का प्रयास कीजिए, उनको बताइए, समझ गए? तो दोस्तों अगर आप बता नहीं सकते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको बताइए कि भैया वीडियो देखते रहो, है ना। मेरा बहुत सारा वीडियो 5 बिलियन सेल्स पे है, जिसमें मैं बता चुका हूं कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों आपको दिखाने वाला हूं कि जिन लोगों का केवाईसी हो गया है, उनका जब आईडी ओपन हो रहा है तो कैसा शो हो रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आपको दिखाना यहां पे चाहूंगा, ठीक है भैया। और दोस्तों आप सभी लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि 5 बिलियन सेल से रिलेटेड दोस्तों मीटिंग आज होने वाली है, 3 बजे संडे को मैं मीटिंग रखता हूं टेलीग्राम पे, उसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा आइए उस मीटिंग में, ठीक है ना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दिया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों रात को 10 बजे जो होता है मीटिंग टेलीग्राम पे आरके ग्रुप का, उसमें भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब शांत बैठने लायक नहीं है, अब जो है समय आ गया है, सब लोग सीरियस हो जाइए दोस्तों, काम करना है, तो मीटिंग जो है मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है भैया। और दोस्तों बहुत लोग बोले हैं कि सर मॉल 91 का अपडेट आ गया है, प्लीज वीडियो बनाइए, तो चिंता नहीं कीजिए दोस्तों, वीडियो शाम को मैं अपलोड कर दूंगा मॉल 91 पे जो अपडेट आया है, ठीक है, ओके। तो चलिए मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आपको लेकर चलता हूँ और वहां पे आपको समझाता हूँ और बताता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो का, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका अभी ओपन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर आप किस कंडीशन में हैं, किस स्टेप में आप हैं, या इसका कमेंट आप जरूर कीजिएगा, ठीक है भैया। तो चलिए मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मोबाइल के स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे 5 बिलियन सेल्स का एक आईडी दिख रहा होगा दोस्तों, जो ओपन है अभी, है ना, हबीब खान जी है जिनका यूजर नेम है दोस्तों, इनका जो है फर्स्ट पेज आप देख सकते हैं, ये खुला हुआ है। और दोस्तों ये सेटअप इनकम्प्लीट है, मतलब जाहिर सी बात है प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ है, सेल योर डाटा नहीं हो रहा है, तो सेटअप इनकम्प्लीट ही दिखाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों ये सेटअप लिखा हुआ है इनकम्प्लीट, ठीक है, तो ये दिख रहा है दोस्तों इनका खुल गया है, इन्होंने केवाईसी कर दिया था, ये देखिए दोस्तों इनका आईडी ओपन हो गया है, ठीक है, ये पहला पेज आपको मैं दिखाया। चलिए आपको सेकंड पेज दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए सेल योर डाटा यहाँ पे पेंडिंग दिख रहा है ना, पेंडिंग दिख रहा है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है अभी पेंडिंग दिखेगा, ऐसा ही आपको भी दिखेगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों इनका ये प्रोफाइल पे दिख रहा है, अब देख रहे हैं मैं डाटा प्रोफाइल स्टेप 2, याद आ रहा होगा आपको, है ना, कि ये सब पहले देखने को मिलता था, ये सारा कुछ इनका दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, ये देख लीजिए ये भी आपका दिखना शुरू हो गया होगा। हाँ दोस्त, ये मेन पॉइंट है, जैसे ही आपका आईडी ओपन होगा तो आपका देखिए दोस्तों इस तरीका का आपको दिखेगा यहाँ पे सेल डाटा ऑन बोर्डिंग, आप देख रहे हैं सेल डाटा ऑन बोर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दोस्त लिखा हुआ है कि दिस इज ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, अलाउ यू टू सेटअप योर सेल डाटा प्रोफाइल, हाउएवर यू कैन नॉट सेल योर ब्राउजिंग डाटा अंटिल यू हैव बीन डिक्लेयर टू स्टेप 2 एंड डाउनलोड द न्यू ब्राउजर। दोस्तों ये बोल रहा है कि आप जाके अपना प्रोसेस सेटअप कर लीजिए पूरा कंप्लीट, तब जाके जो है आप मतलब, जबकि आप सेल योर डाटा नहीं कर सकते, यू कैन नॉट सेल योर ब्राउजिंग, जाहिर सी बात है दोस्तों स्टेप 2 मतलब जो स्टेप इसने दिया है वो कंप्लीट आप नहीं करेंगे तो सेल योर डाटा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है भैया।
और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब कंप्लीट कीजिएगा सेल्युलर डाटा तो इसका ब्राउजर आएगा दोस्तों, उसको ब्राउजर को आपको इंस्टॉल करना है। तो ये दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है अपना सारा इन्फॉर्मेशन। तो मेन बात यहाँ पे यह है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही ओपन होगा तो आपको यह दिखेगा क्लोज और स्टार्ट सेटअप, ठीक है, क्लोज और स्टार्ट सेटअप, ठीक है, ये दिखेगा। अब यहाँ जैसे ही आप स्टार्ट सेटअप पे क्लिक कीजिएगा तो भाई मेरे, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ ये खुलेगा। ये क्या है देख लीजिए, यहाँ पे है दोस्तों देयर आर 4 पेजेस टू कंप्लीट एंड सेव, यू कैन नॉट कंप्लीट ऑन बोर्डिंग अनटिल ऑल पेजेस आर सेव्ड। दोस्तों यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई वो जो 4 पेज आपने भरा था प्रोफाइल, जिसमें आपने लिखा था, है ना, टिक मारा था कि हमको ये पसंद है, हमको ये मार्केटिंग करना पसंद है, ये पसंद है, याद होगा आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम में वो सारा चीज़ आपने भरा था। तो इसने बोल रहा है कि सेटअप कर लीजिए आपका जो प्रोफाइल है, अगर उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों ये खुल गया है पेज। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि 4 पेजेज यू कैन नॉट कंप्लीट ऑन बोर्डिंग अनटिल ऑल पेजेज आर सेव्ड। दोस्तों ये बोल रहा है कि ये जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, है ना, जो आपने भरा है उसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो भैया इसको ओके कर लीजिए। अगर चेंज आप नहीं कीजिएगा तो जो आपका भरा हुआ है ऑलरेडी वही रहेगा। अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा दोस्तों कि जो यहाँ पे आपने भरा है, जो डाला है, जो चीज़ आपने यहाँ लिखा है, वही चीज़ दोस्तों आपको ब्राउजिंग करना होगा, है ना, जो प्रोफाइल आपने डाला है वही प्रोफाइल से आपको ब्राउजिंग करना होगा। तो जाहिर सी बात है भैया, भरने के टाइम में, रजिस्ट्रेशन के टाइम में हमने बहुत कुछ डाल दिया था क्योंकि मालूम नहीं था। तो इसलिए दोस्तों ये मौका दिया है, तो अभी आप क्या कीजिएगा, ये ओके दबा करके आपके सामने खुलेगा इंटरफेस, वहाँ पे जाना है और सारा कुछ भरना है। और भरिएगा क्या, अपना जो आपका फेवरेट चीज़ है, जिसमें आपको सही में रुचि है, सही में आप इंटरेस्ट रखते हो, उसी पर टिक लगाना है। क्यों? क्योंकि ब्राउजिंग भी आपको वैसा ही करना है। और दोस्तों जब ब्राउजिंग आप कीजिएगा और ब्राउजिंग और ये प्रोफाइल जो भरिएगा उसको मैच करेगा ये कंपनी, और मैच करने के बाद दोस्तों जब देखेगा कि हाँ सेम है तो आपका इनकम बनेगा। क्योंकि अगर दोस्तों प्रोफाइल के अनुसार आप डाटा ब्राउजिंग नहीं कीजिएगा वहाँ पे ब्राउजर में इनका जा करके, तो मेरे भाई उसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई जो है प्रोफाइल उसका परचेज नहीं करेगा, ठीक है ना, इसलिए भैया पैसा नहीं बनेगा। तो आपको ये काम करना होगा। तो आप लोग अपना भर लीजिएगा, प्रोफाइल अपडेट कर लीजिएगा जो आप चाहते हैं वही, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ये देख लीजिए, ये देखिए दोस्तों, ये एक ऑप्शन आपको देख रहा है, मैसेज दे रहा है, क्या दे रहा है, ऑन बोर्डेड स्टेप 1 यू हैव कम्प्लीटेड स्टेप 1 ऑफ सेल डाटा ऑन बोर्डिंग, विल नोटिफाई यू बाई ईमेल व्हेन यू कैन रिटर्न टू इंस्टॉल द न्यू ब्राउजर एंड स्टार्ट कलेक्टिंग ब्राउजिंग डेटा टू सेल टू अस। दोस्तों ये बोल रहा है कि जब आप स्टेप 1, मतलब प्रोफाइल जितना आप कंप्लीट कीजिएगा उसको आप स्टेप 1 बोल रहा है, कि स्टेप 1 आप जैसे ही कंप्लीट कीजिएगा तो आपको दोस्तों ईमेल पे एक नोटिफिकेशन जाएगा, है ना, ईमेल पे एक मैसेज जाएगा जिसमें आपको दोस्तों इसका जो ब्राउजर है 5 बिलियन सेल्स का खुद का ब्राउजर, वो आपको वहाँ पर लिंक होगा, वहाँ से आपको उसको इंस्टॉल करना है। यू कैन रिटर्न टू इंस्टॉल द न्यू ब्राउजर, आपको दोस्तों उस ब्राउजर पे क्लिक करके, लिंक पे क्लिक करके उस इसको इंस्टॉल करना है एंड स्टार्ट कर देना है अपना ब्राउजिंग। जब ब्राउजिंग स्टार्ट कीजिएगा और प्रोफाइल के साथ मैच करेगा, आपका सही होगा तो पेमेंट आपको मिलेगा, ठीक है भैया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दिया स्क्रीन शॉट के माध्यम से, चूँकि मेरा अभी खुला नहीं है, मैं अभी स्टेप 2 कम्प्लीट किया हूँ, है ना। हाल ही में दोस्तों मेरा एक बार स्टेप 2 फेल हो गया था, सीक्रेट कोड मैंने गलत डाल दिया था, फिर से आया तो दोस्तों एक और सीक्रेट कोड मेरे पास था, उसको डाला है मैंने, देखता हूँ कि ये होगा कि ना, क्योंकि मेरा कन्फ्यूजन था दोस्तों, इसलिए देखते हैं अब क्या होता है। तो मैं आप सभी लोग से बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि जल्द से जल्द आप लोग ये कर लीजिए, आपके सामने जैसे ही दोस्तों आप चेक पे क्लिक कीजिएगा जो KYC किए हुए हैं, तो हो सकता है आपको ये दिखे, है ना, ये दिखेगा आपका जो KYC जो लोग किए हुए हैं उनको ये दिख सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट सेटअप पर क्लिक करके प्रोफाइल अपना भर लीजिएगा, दबा दीजिएगा, उसके बाद आपके ईमेल पे हो सकता है एक हफ्ता में आपको लिंक जाएगा, वहाँ से इसका ब्राउजर डाउनलोड कर लेना है, मतलब किवी ब्राउजर को अब दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल करने की रखने की जरूरत नहीं है। जब 5 लेंसेज का ब्राउजर आ जाएगा तो किवी ब्राउजर किसी काम का नहीं है, समझ गए। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन देना था दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, ठीक है भैया। तो ओके, थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे सारा कुछ, कि चलो यहाँ पे अगर आईडी आपका खुलता है तो आपको क्या करना होगा। जो मैंने बातें आपको बताई है दोस्तों उसको ध्यान रखिएगा, वही काम कीजिएगा, तभी आपका पेमेंट बनेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा भैया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। लाइक या डिसलाइक नहीं कीजिए लेकिन शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो शेयर करेंगे तो दोस्तों मदद होगा किसी का, ठीक है भैया। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, जय हिंद, जय भारत, जय कीबोर्ड 91, जय 5 बिलियन .com, जय टू।